नमस्कार इदे 3 तारीखरंदु नम्म भारतीय जनता पक्ष वतियिंद विजय संकल्प यात्रे विजय संकल्प यात्रेयन्नु नम्म नेच्चिन गृहमंत्री देशद गृहमंत्रिगळादंत सन्मान्य श्री अमित शाजी अवरु चालने कोड्लक्के इदु बसवकल्याणक्के बर्ता इद्दार अवत्तिन दिवस बसवकल्याणनल्लि बहिरंग सभे अदाद नंतर यात्रे ಒಂದು ರಥದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆ ರಥವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ರದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಶೋ ಒಂದು ರಥದ ಮುಖಾಂತರ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಜನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆ ರಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಕ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಧ್ವಜದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶೃಂಗಾರ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪುರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಈ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು हाईटेक फंक्शन हॉल अपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसव कल्याण नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन इसी रोड शो में कौन कौन आने वाले हैं ये रोड शो में हमको ऊपर से मैसेज आए सो अमित शाह जी ने बसव कल्याण में चालने देके उन्होंने जाते और यहाँ पे बोले तो हमारे येडियुरप्पा साहब बोम्मई साहब और कटील साहब राजाध्यक्ष जी और इसके इंचार्ज हमारे श्रीरामलु साहब है बाबूराव चिंचनसूर जी है और माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर साहब है भगवंत खूबा जी है और हमारा इंचार्ज मिनिस्टर शंकर साहब है और यहाँ के संचालक ये हमारा भाग्य मलकापुरे साहब को दिए सो है प्रभु चवन साहब आते मलकापुरे साहब है अनेक हमारा जिले के तो तकरीबन पूरे जनी इसमें शामिल हो के और राज्य के मुखंड भी पूरे आके इसको यशस्वी करते हैं। सर ये क्या क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे हुमनाबाद में हमारा शिवाजी चौक से वाया बसवेश्वर सर्कल बालाजी मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक अंबेडकर सर्कल से होते रामचंद्र वीरप्पा सर्कल के पास एंडिंग है और वहाँ पे ही एक बहिरंग सभा रखे बहिरंग मीन्स एक हमारे लीडर से बात कर सकते उधर तो सर आने का उद्देश्य क्या है सर अभी आज आप देख रहे होंगे अभी 1-2 महीने में असेंबली इलेक्शंस है वो तैयारी से आज हमारे भारतीय जनता पक्ष का ये तैयारी है समझो इलेक्शन का तैयारी आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी पक्ष को किस तरह से पॉजिटिव जाएगा सर आज आप देख रहे होंगे हमारा हुमनाबाद मंडल में मतक्षेत्र में आज एक बहुत ही हमारा भारतीय जनता पक्ष का एक वातावरण ऐसा है हम तकरीबन सब खेड़े और सिटीज में घूमे आए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक लहर है यहाँ पे हुमनाबाद में हुमनाबाद मतक्षेत्र में ऐसा देखने को हमारा 99 में एक बार ऐसा ही माहौल था जब हमारा भारतीय जनता पार्टी जीते थे उसी तरह से उससे ज्यादा भी आज हमारा कार्यकर्ता और लोगों में एक बदलाव चाह रहे हैं हुमनाबाद में बदलाव चाह रहे व्योम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसव कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी व्योम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसव कल्याण और सभी लोग आज संकल्प किए कि ये टाइम पे 2023 में हमारा भारतीय जनता पक्ष कैंडिडेट को जिताना बोल के संकल्प किए सर टिकट के बारे में क्या टिकट देखिए पार्टी सर्वे के ऊपर और लीडर सब देख के आज हमारा भारतीय जनता पार्टी टिकट देते मैं भी एक प्रबल आकांक्षी हूँ भारतीय जनता पक्ष के आज मैं भी 2 साल से बहुत ही डीप बूथ टू बूथ
बूथ मठ से मैं काम करते आ रहा हूँ, सभी तरफ हम गए सो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, और हमारा पार्टी में हम किसी को भी टिकट दे दें, हम सब मिलके काम करके हमारा पार्टी का कैंडिडेट को जिताएंगे। क्या अमित शाह साहब आने के बाद टिकट का घोषणा हो सकता है? नहीं, अभी ये तो क्या एक यात्रा है, इसमें तो टिकट का अनाउंसमेंट नहीं होता। टिकट का अनाउंसमेंट बाद में पार्टी वाले क्या निर्णय देते, हमारा हाईकमांड है, सब जने बैठ के कोर कमेटी रहता, पार्लियामेंट्री बोर्ड में फाइनल हो जाता, तभी मालूम होता, अभी तो कुछ नहीं है। सर, इस यात्रा में कितने पब्लिक आने गया? 15,000 से 20,000 लोग हमारा पास हमनाबाद मंडल में मत क्षेत्र में हम जोड़ रहे उतना लोगों को। यहाँ की जनता क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? आज देखिए 3 तारीख को हमारा भारतीय जनता पक्ष के विजय संकल्प यात्रा है, सभी मैं हमारे कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, 3 तारीख के दिन दोपहर में 1 बजे हमारा SBI बैंक के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति है, वहाँ से हम ये प्रारंभ करके हम रामचंद्र वीरप्पा सर्कल IB के सामने ये समाप्ति है, उसमें सभी हमारा मत क्षेत्र के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये यात्रा में आके ये बहुत ही एक सक्सेसफुल रोड शो बनाना बोल के मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ।